बारिश जल भराव गुलाबी सुंडी से बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर आज किसान कमिश्नरी घेराव कर रहे हैं। काफी संख्या में इनकी संख्या आप देख सकते हैं और युवाओं की भी भागीदारी आप इसमें देख सकते हैं, महिलाओं की भी भागीदारी आप इसमें देख सकते हैं। काफी जोश है इन किसानों में और गुस्सा सरकार के प्रति जबरदस्त यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अभी तक भी जिन्होंने जो किसान आंदोलन का और किसान हितेशी हैं उनका किसी न किसी रूप में समर्थन कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में इसे शेयर करें। मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूं, आप सीधा लाइव देख रहे हैं काफी संख्या में आप देख सकते हैं। काफी जोश के साथ दूसरी तरफ भी यहाँ पर किसान पहले से इंतजार कर रहे हैं, कई अलग अलग जगह किसान और भी खड़े हुए आपको देख रहे हैं। बारिश जल भरा हुआ गुलाबी सुंडी से बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरफ्तारी करवाने के को लेकर, बर्बाद फसलों के मुआवजे और खाद सप्लाई की मांग को लेकर आज यहां पर अखिल भारतीय किसान सपा के आह्वान पर आर कमिश्नरी घेराव का इन्होंने आह्वान किया था, उसी के तहत आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रांतिमान पार्क में ये किसान इकट्ठे हुए, उसके बाद ये प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर घेराव की तरफ यहाँ पर वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर किसान और मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर किसान और मजदूर इस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ, अभी तक भी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी कृष्ण भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं आप बैनर के साथ चले हुए नेतृत्व कर रहे हैं किसान साथियों का, आप देख सकते हैं। से हिसार कमिश्नरी के पांचों जिलों के अंदर 100 गांव से ज्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। एक एक गांव के अंदर 1-1 हजार एकड़, 1500 एकड़, 2-2 हजार एकड़ जमीन में 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट पानी खड़ा है। सरकार और प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करी। हमारे हिसार कमिश्नरी के जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, जींद समेत पांचों जिलों के अंदर आधे एरिया में खरीफ में नरमा की कॉटन की खेती करते हैं किसान। तमाम कॉटन की खेती हमारी अतिवृष्टि से और गुलाबी सुंडी से खत्म हो चुकी। सरकार स्पेशल गिरदावरी के नाम पर झूठा बवंडर बना रखा है, कोई गिरदावरी नहीं, किसानों को मुआवजा नहीं। 100 से ज्यादा गांव के अंदर, बस्तियों के अंदर, गांव से बाहर निचले एरिया में, यहाँ तक कि गरीब मजदूर भाइयों के मकानों में आज भी पानी खड़ा है। उदाहरण के तौर पर जिला हिसार के बरवाला तहसील के बधावड़ गांव में जाकर के देख लीजिए, लाडुआ गांव में जाकर के देख लीजिए, गरीबों की मजदूरों की बस्ती में घरों में पानी घुसा हुआ है। खेतों के अंदर किसानों के ट्यूबवेल पानी में डूब गए, कुएं और खेतों के मकान किसानों के बर्बाद हो गए। उनका सर्वेक्षण करवा करके तुरंत प्रभाव से उनको मुआवजा दिया जाए। कॉटन का 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारी बाजरा की और मूंग की फसल MSP जो 7,500 रुपए पर क्विंटल है, वो 3,3200 में किसानों का मूंग छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। बाजरा किसान का MSP 2,250 रुपए क्विंटल, लेकिन 1,100-1,200-1,300 रुपए क्विंटल से के हिसाब से खोसा जा रहा है। पूरी लूट है, पूरे हरियाणा के अंदर एक दाना भी DAP खाद का नहीं है, जो किसान को बिजाई के समय जमीन के अंदर बोने के काम आता है, बीज के साथ एक दाना नहीं है। इस सरकार का मंसूबा है, सरकार की प्लान है, किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करके इनकी कमर तोड़ दी जाए ताकि ये लड़ाई लड़ने में सक्षम न रहे और काले कानूनों की लड़ाई में ये कमजोर पड़ जाए। सरकार के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज हिसार कमिश्नरी के
पांचों गांव के किसान और मजदूर संगठन इकट्ठे होकर के कमिश्नर का घेराव करने के लिए हम जा रहे हैं। 3 घंटे से लगातार हिसार के क्रांति मान पार्क में पांचों जिलों के किसान और मजदूर सरदारी धरना दिए बैठी है। अब पैदल मार्च निकाल करके नई सेक्रेटरिएट हिसार में कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। स्पेशल गिरदावरी 50,000 रुपए, खराब फसल का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। बीमा कंपनी हजारों करोड़ रुपए लूट करके फरार हो गई और क्या कर रखा है, ये सुनने की बात है। किसान ने खेत में कॉटन लगा रखी है, उसके क्रेडिट कार्ड में बैंक में जीरी का बीमा की फीस काट ली गई। किसान ने जीरी लगा रखी है, उसकी बीमा की फीस बाजरे की काट ली। इस प्रकार खेत के अंदर फसल बर्बाद हो चुकी है। आज बेटी फसल बर्बाद हो चुकी और उसका कर्ज के अंदर बीमा की फीस भी जोड़ दी। कंपनी फीस ले गई लेकिन क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि फीस काट ली नरमा की, किसान ने लगा रखी है जीरी। नो, ये लूट है, ये बर्बादी है, ये देश की बर्बादी, ये किसान की बर्बादी, ये सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीति, जनता विरोधी नीति। देखिए, मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब से 2014 में सत्ता संभालने के बाद अब तक मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं, और तमाम ऐसी स्कीमें और नीतियां लेके आए, किसानों को भ्रम में डालने की कोशिश की गई, दावा किया गया कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे हरियाणा में लूट मची हुई है। आज हम अपने अधिकार के लिए आए हैं यहाँ, हमने अपने खेतों में नरमा बोया है, हमारी फसलों का प्रीमियम तक काट रखा है, और 1700 रुपए के करीब प्रीमियम काट के किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, और अब बिजाई का समय है, ना तो खाद मिल पा रही है और ना हमें मुआवजा दे रही है सरकार, ना बीमा और ना ही मुआवजा। तो ये बहुत सीरियस इशू है अपने आप में, हम अपने घरों में चुप होके नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम अपनी आवाज उठाने आए हैं। और किसान संगठन, कपास उत्पादक संघ या किसान सभा जो भी आगे आह्वान करेगी हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये संघर्ष का समय है और अपने हम अपने फसलों के मुआवजे के लिए और यहाँ आए हैं। देख सकते हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर किसान, आप देख सकते हैं संख्या थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लाइन बहुत लंबी है, लगातार किसान की लाइन टूट नहीं रही है, भारी संख्या में यहाँ पर किसान आप देख सकते हैं। देख सकते हैं मैं लगातार आखिर तक की कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसान लगातार अपनी हाजिरी किसानों की देख सकते हैं, भारी संख्या में किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पीछे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ चली हुई, आप देखिए हैंडीकैप है, आप विकलांग और झंडा लिए हुए किसान का बुलंद अपनी आवाज़ करते हुए आगे लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं।